हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपको दिखलाऊंगा कि किस तरह आप असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए। तो आज के वीडियो में आपको दिखलाऊंगा कि FST का क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करनी है इग्नू असाइनमेंट्स। इग्नू असाइनमेंट टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद पहला ही जो ऑप्शन दिखेगा असाइनमेंट्स, उस पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद ये बहुत बड़ा पेज खुलेगा। इस पेज में आपको सर्च करना है BSc। अगर आप BA के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसमें सर्च करना होगा BCom BA। अगर BCom के स्टूडेंट है तो आपको BCom सर्च करना होगा। उस कोर्स में जाने के बाद आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं FST का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमको BSc में जाना होगा। तो मैं BSc इसमें सर्च करूँगा। BSc सर्च करने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं एक ट्रिक का यूज़ करूँगा, फाइंड इन पेज, जो गूगल क्रोम का एक ऑप्शन है। इसके ज़रिए आप इजिली सर्च कर सकते हैं। तो मैं उसी को सर्च करता हूँ। तो ये 3 डॉट्स है, इसमें जाना है। जाने के बाद आपको फाइंड इन पेज दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस क्लिक करने के बाद आप इस पर नॉर्मली टाइप कर दे BSc। जैसे ही आपने टाइप करा, देखिए इतने बड़े पेज में सर्च होके BSc आ गया है। इस BSc के ज़रिए मैं इजिली इसमें से FST का पेपर डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आपको हिंदी में डाउनलोड करनी तो हिंदी में, इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो इंग्लिश में। तो मैं हिंदी में चाहता हूँ तो हिंदी पे क्लिक करूँगा। इस फाइंड इन पेज के ज़रिए आप वेब पेज के किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो FST का हमको पेपर डाउनलोड करना है तो हिंदी पे क्लिक करते हैं। BSc में क्लिक करने के बाद सेम मेथड अप्लाई करके, फाइंड इन पेज का यूज़ करके मैं FST का असाइनमेंट पेपर खोज रहा हूँ। तो जैसे मैंने FST टाइप किया, देखिए ये FST वर्ड को सर्च किया। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं 2012, 13, 17, 18, 19 ये असाइनमेंट का ऑप्शन दिखाने लगा है। अगर आपको 18 का डाउनलोड करना है तो आप 18 का करें, अगर 19 का करना है तो 19 का करें। तो मैं 19 का करना चाहता हूं, तो 2019 पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिखने लगा। अब मैं जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करूंगा ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। तो ये देखिए आपका FST 1 का 2019 का असाइनमेंट पेपर डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह आप कोई भी असाइनमेंट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं फोन के जरिए। इसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप वहां से भी क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस पेज पे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।